अंकुश ने पूछा था कि मेरे लिए भक्ति मार्ग अच्छा है कि ज्ञान मार्ग अच्छा है, तो मैं इस विषय में ये कह रही हूँ, भक्ति आपके मन को ठहराव देती है। उपासना जब करते हैं तो मन की वासना दूर होती। वासना समझते हो? वासना इज लाइक दैट वेरी स्ट्रॉन्ग सुनामी इम्पल्स फॉर एक्सपीरियंसिंग वर्ल्डली stuff. Vasana means this strong element of greed, anger, ego, jealousy, etc., etc. It is not that you think you want to be greedy, the greed takes over. That is called because of vasana. विचार नहीं कि तुमने विचार किया, काम भोग का विचार किया, नहीं। वासना मतलब जो तुम्हारे मन को धकेल देगी और तुम्हारे मन में एक जबरदस्त भूख पैदा कर देगी काम सुख भोगने की, या जीव के द्वारा कुछ अच्छा पदार्थ खाने की, या पैसे की, या अभिमान की, या गर्व की। वासना इतना डीप रूटेड, जो अंदर वासना का कचरा भरा हुआ है, वो बिना उपासना के नहीं जा सकता। दो चीजें हैं पर इसमें, भक्ति मार्ग में उसे हम कहते हैं द्वैत मार्ग। द्वैत मतलब दो, पाथ ऑफ डुअलिटी। वेदांत है अद्वैत। अद्वैत मतलब नो डुअलिटी or beyond duality. So bhakti marg comes into duality and Vedanta comes into advaita. भक्ति मार्ग क्या है कि आप जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण है या राम है या शिव है, आप अपने मन में उनको याद करते, उनका ध्यान करते, उनका नाम जप करते, उन्हीं का ख्याल करते, सोते जागते, उठते बैठते, वही चलता रहता। और फिर किसी दिन किसी समय बंद आँख में या खुली आँख में आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। और एक भक्त का मोक्ष क्या है कि वो अपने भगवान के लोक में पहुँच जाए। लोक मतलब किसको कहते? जहां जो रहे उसको लोक कहते। तो पुराण के अनुसार चलें तो कृष्ण का एक लोक है, राम का एक लोक है, तो वो कहे गोलोक है, वो कहे साकेत लोक है। बोले वैकुंठ में विष्णु रहते, सबके अपने अपने लोक हैं। तो विष्णु का भक्त चाहता है मैं विष्णु के लोक जाऊं, शिव के नहीं। शिव भक्त चाहता मैं शिव के लोक जाऊं। तो एक तो ये बात समझना, ये फिजिकल कोई प्लैनेट्स नहीं है कि जैसे हम आज इतने ज़बरदस्त हबल टेलीस्कोप्स हैं, एंड देयर सो पावरफुल टेलीस्कोप। जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़, वो उत्तराखंड में है, पहाड़ की चोटी पर है। वहाँ से वो बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, मूवमेंट्स को जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। तो ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं कभी कोई इंसान बना पाएगा जिससे वो कहे ये रहा विष्णु लोक, और ये रहा शिव जी का लोक, और ये रहा राम जी का लोक। नो, दे आर नॉट फिजिकल प्लेन्स। वो क्या है, उनको हम कहते हैं मेंटल प्लेन्स। जैसे रात सपने में एक दुनिया आप देखते हो कि नहीं, वो दुनिया आपके मन ने बनाई है। अब आप दिन में भागते फिरते पैसे के पीछे, रिश्तेदारी, वो नाराजी, वो नाराज, तो तुम्हारे सपने भी वही होते। ये बिल्कुल सच्ची बात सुना रही हूँ। हमारे शरीर के पिताजी, उनके एक ताऊ थे, वो कपड़ा बेचते थे। तो बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे मतलब सीधे साधे लोग, भजन पाठ किया और अच्छी कमाई करी। और वो कुछ दिन ऐसा होने लगा कि वो रात सोने से पहले अपनी पगड़ी अपने सिराने के पास रखते थे, और सुबह देखे तो पगड़ी जो है वो दो हिस्से में, वो कौन फाड़ रहा है पगड़ी को, बोले ध्यान देने। हुआ ये कि कई दिन तक ऐसा ही होता रहा। तो जो ताई थी उसको लगा कि अब तो ना मैं ही पहरेदारी करती हूँ, कौन है जो श्राद्ध करता है ये। वो सोई नहीं, जगती रही, जगती रही, जगती रही। इतने में क्या देखते हैं, नींद में ताया बोल रहा है, अठ 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 गज अठ गज अठ गज अठ गज। एक हाथ मारा, कब अपनी पगड़ी पकड़ ली उन्हें, 1 2 3 4 फाड़ दी। अब वो सपने में अपनी पगड़ी रोज खुद फाड़ रहे थे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि पता नहीं कौन कर जाता है। अब दिन भर कपड़ा नाप नाप के बेचा है आपने, अगर वो जो बजाज बोलते हैं, जैसे कपड़ा बेचते हैं ना, बजाजी बोलते हैं उसको गांव की भाषा में। तो वो जरा सा कैंची से टक लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं और फिर ये दोनों हाथों से फाड़ देते। तो वो रोज अपनी ही पगड़ी फाड़ दी है। जब उन्हें फाड़ी ना तो ताई तो उसको सोते को पीटने लग गई, मैं मर गया अपनी पग आप ही फाड़ लेंदा है, सवेरे के न कौन फाड़ गया मेरी पग, और मैं डंडा लेके बैठी हूँ, जो आया उसको पीटूंगी। तो खुद ही तू फाड़ रहा है अपनी पगड़ी। पर नींद में देखो सपना और शरीर का जो लिंक है वो कैसे बनता है कि सपने में दुकान में ग्राहक को दे रहे हैं और फाड़ असल पगड़ी को रहे, राइट। ऐसे ही अगर मन में कृष्ण का, राम का, शिव का ध्यान, उनके गण ये है, उनके प्रेत ये है, उनके पुत्र ये है, उनकी पत्नी ये है, वो ऐसे समाधि लगाते हैं, वो ऐसे जटा जूट है, उनके शरीर पे नाग है, उनके शरीर पे भस्म है, उनके माथे पे त्रिपुंड है, ये सब उस भक्त के मन में गया ना, तो जहाँ उसका मन पूर्ण एकाग्र हुआ और तो वो किसको देखेगा, वो यही देखेगा। तो उसके मन में ही शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक बन जाएगा। अब दूसरा लेती हूँ मैं, जिसमें साकार इन्वॉल्व नहीं है, जैसे संत चरणदास महाराज की शिष्या सहजोबाई। सहजोबाई जी जो है वो कहती हैं कि मैं राम को तज दूँ, तज दूँ मतलब छोड़ दूँ, मैं राम को छोड़ दूँ पर गुरु को कभी नहीं छोड़ूँ, और गुरु के बराबर में तो हरि को देखूं भी नहीं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। क्यों तर्क दिए उन्होंने? सहजोबाई एक बड़ी विलक्षण ज्ञान, प्रज्ञा और बुद्धि की स्वामिनी थी। हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनके गुरु स्वामी संत चरणदास को तो फिर लोग पहचानते हैं, पर उनकी शिष्या सहजोबाई को नहीं। जबकि उनने बड़ा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वो घूमती थी, सत्संग करती थी, प्रचार करती थी। ये निर्गुणवादी हैं। अब निर्गुण परमात्मा का ना तो मंदिर बन पाए, बनेगा क्या, क्या बनाओगे? हाँ, रूप रंग जिसका कोई नहीं, उसकी क्या मूर्ति बन पाएगी, उसकी क्या कोई फोटो बना पाएंगे? नहीं। इस आश्रम में शुरू में मेरा ऐसा ही मन था कि हम यहाँ कोई चित्र, कोई फोटो, कुछ नहीं रखना चाहते। पर जब ये बन रहा था आज से 22 साल पहले, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ये जेई वगैरह जो होते हैं, तो वो आते थे, कहते ले ये कोई आश्रम बन रहा है, ये तो कोई रिजोर्ट बन रहा है, गुरुद्वारा नहीं, यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ ये क्या है? तो बड़ी सिरदर्दी हो रही थी। जो हमारे यहाँ काम करते थे लोग, वो कहते थे जी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, कुछ तो आपको ना बनाना पड़ेगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। उसके बाद ही ये गुरु मंदिर जो है ये बनाने का विचार आया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो फिर पैसा खाने के चक्कर में रोज आ जाए, काम रुकवा देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, नोटिस दे देंगे, क्या है क्या है, तो बड़ी समस्या रही। तो फिर जब आया तो मैं चलो मंदिर बना देते हैं, मंदिर बनाया। फिर था कि अब अंदर किसको बैठाएं, तो फिर लगा कि गुरु परंपरा में आदिदेव महादेव, महादेव से ही सब कुछ ज्ञान की परंपरा शुरू हुई है, तो फिर उन्हीं को ही यहाँ पर बैठाते हैं, और वर्तमान में जो मेरे गुरु हैं हम उनका चित्र लगाते हैं, और क्या करें। तो इट इज मोर लाइक तो इसकी भी बड़ी लंबी कहानी आप मैंने पहले कही है, अभी नहीं दोबारा बोलती हूँ कि ये जो आप स्वरूप भी देखते हैं अंदर महादेव का, ये एक का कोई 3000 साल पुराना कोई पुरातत्व विभाग को कोई मूर्ति मिली थी, उसकी तस्वीर किसी मैगजीन में थी। वो मैगजीन में जब मैंने देखी तो मुझे लगा नहीं ये सही स्वरूप है, तो मुझे ये वाला चाहिए। तो अपनी चॉइस है, मेरे मन की कल्पना में जो अच्छे लगे मैंने वो ले लिए, तो उनको बैठा दिया। माने थे ही तुम्हारी एक औरत पत्नी हुई हो गई कि जन्म से कोई लिखा हुआ है कि ये फलां की पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, तुमने माना है। कोर्ट मैरिज कर लो तो कागज प्रमाण है कि ये पति है, ये पत्नी है, माना है, पत्नी है। ये माँ बाप है तुम्हारे, ये भी तुमने माना है। माँ बोल रही है ये बाप है, वो है या नहीं है ये तो माँ जानती है। या माँ बाप जो पति पत्नी थे उन्होंने बच्चा गोद लिया था, उनका है ही नहीं, राइट? माना ना बाप है, माना माँ है। तो ऐसे ही माना कि ये महादेव हैं, महादेव हैं ये। अब वो ऐसे थे या नहीं थे हमें क्या मालूम, पर हमारी कल्पना में वो फिट बैठ रहे थे, सुंदर लग रहे थे, ध्यान मुद्रा में थे। मैं ये बहुत अच्छा है, सौम्य है, मुस्कान है, ठहराव है, तो इन्हीं को बैठाते हैं। अब निर्गुणवादी किसकी मूर्ति लगावे? किसी की भी नहीं। इसलिए निर्गुणवादियों के कोई मंदिर नहीं होते हैं। और जैसे निर्गुणवादी जितने संत हुए हैं उनको भी कुछ करना पड़ा। कैसे? उनको भी जैसे गुरु नानक साहब का जब शरीर गया तो उसके बाद श्री गुरु अंगद देव महाराज गद्दी में विराजमान हुए और तीसरे गुरु साहब आए। चौथे गुरु के आते आते ये सारी वाणियों का जो संकलन था वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा था, तब तो उसको पोथी बुलाते थे। फिर पंचम गुरु ने वो सारा संग्रह बना करके आदर सहित के श्री गुरु नानक देव महाराज की पहले 4 गुरुओं की वाणियाँ, और उसको उन्होंने आदर सहित जो है श्री हरमंदिर साहब में सुशोभित किया। कहाँ सिर झुकाएं? कहाँ से यात्रा शुरू करें? भक्ति कहाँ से शुरू करें? तो फिर कहा कि भाई गुरु का उपदेश कीमती होता है, शरीर रहे न रहे उपदेश रहेगा, इसलिए उपदेश संभाल लो, ज्ञान संभाल लो। अब ज्ञान की पूजा है पर सामने कुछ तो रखना पड़ेगा कि नहीं? ओके एक मैं गाया करती हूँ कि तू इधर भी है तू उधर भी है, मैं कहाँ सर झुकाऊँ, तू सब जगह है, तो कहाँ सिर झुकाऊँ मैं? फिर कोई एक पॉइंट तो चुनना पड़ेगा ना। हर पॉइंट वो कीमती पॉइंट हो सकता है, हर पॉइंट ईश्वर का पॉइंट हो सकता है, मैं कहीं भी सिर झुका दूँ। तो प्रणाम करने के लिए, वाणी का सत्कार करने के लिए फिर जगह बनाई, श्री हरमंदिर साहब स्थान बना, फिर तो क्रम चल पड़ा। पर निर्गुणवादी क्या करे ना, उसके पास सिर्फ गुरु के ज्ञान की उस पोथी का आदर करे तो करे। अब पुराने समय में इतने अच्छे चित्रकार थे भी नहीं और शायद वो चित्र बनवाना भी नहीं चाहते थे। आज का टाइम तो बिल्कुल अलग हो गया, तुम्हारे फोन में ही कैमरा लगा है, तब तो कुछ था नहीं। कौन सी चित्र, जैसे गुरु नानक देव महाराज का असली चित्र कौन सा है? कोई कह सकता है? पीछे काय बोले नहीं ये ना वहां से आई है, बाहर से तस्वीर आई है, ये असली वाली है। जब देखी तो मैं कब, अब हम लोगों ने क्या बचपन से सरदार शोभा सिंह की बनी तस्वीर ही देखी, वही लगता गुरु, वो हो ना हो अपन लगते वही, यही वाले, यही लगते। पर ख्याल करना गुरु नानक ने ईश्वर के नाम का कोई स्थान नहीं बनाया। बनाया क्या? कैसे बनाएंगे? बन ही नहीं सकता है। ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, सारा संसार ही परमेश्वर का स्वरूप है, तो मैं अलग से क्या बनाऊं? तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई स्थान नहीं बनाया। उनकी याद में बाद में बड़े स्थान बन गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक नहीं बनाया। तो सहजोबाई ने निर्गुण की उपासना करती है, किसका बनाए? उसने भी किसी का नहीं बनाया, शायद इसी वजह से। अब रामकृष्ण की मूर्ति तो दिख जाती, समझ आती है, निर्गुण तो समझ भी नहीं आता जल्दी कि ये लोगों को, इसलिए और भी कठिन हो गया सहजोबाई को याद रखना। अरे खुद उसका कोई ऑथेंटिक चित्र नहीं है, वो बहुत पुरानी तो नहीं हुई। वो हमने अपने मूर्तिकार के साथ, उड़ीसा के हैं फकीरचंद, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरा मन है कि सहजोबाई जी की ना एक हम मूर्ति बनाए। तो बोले कैसी बनाए? मैं आप ना ऐसा सौम्य चेहरा हो, आंख में मस्ती हो, चेहरे पे ठहराव हो, साड़ी पहनी हो, चूंकि वो राजस्थान की थी तो सीधे पल्ले की साड़ी, पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया। तो उन्होंने मुझे बनाया, बना करके दिया तो मन खुश हो गया। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे मन में सहजो तो ऐसी ही लग रही। तो उनको जो हमारा पुराना जो आश्रम का एंट्रेंस था, तो मुख्य द्वार पर सबसे पहले उन्हीं की टिकाई मैंने, किसी ने नहीं याद रखा, कम से कम हम तो याद करें उनको। तो जब कोई पहले आता था ना अंदर, तो पहले सहजोबाई को देखता था, फिर उसे मंदिर दिखता था, फिर उसे आश्रम का बाकी हिस्सा दिखता था। तो ये मेरा उनके प्रति प्यार और मेरी श्रद्धांजलि और मेरे प्रेम सुमन है जो उनके लिए। अभी अजीब बात यह है कि उस दिन मैं सोची कि सहजोबाई को थोड़ा और रिसर्च कर रही थी कि कुछ नए उनके, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे, गूगल में मिल जाती हैं। तो मैंने खोजा कि कुछ है, मिले तो उसमें सब जगह में इस आश्रम में लगी हुई सहजोबाई की मूर्ति ही हर बार आती है। सहजोबाई मतलब ये आज भी मैंने कहा कि कौन सा वाला आज उनका हम लेख लें, तो टाइप किया सहजोबाई भजन, जितने निकल के आए उसमें मैं ही गा रही हूँ। मतलब मुझे ये थोड़ी चाहिए, मेरे गाए वाले नहीं चाहिए, नया कौन सा चाहिए? तो आज नया तो नहीं मिला। बहुत पहले कानपुर में मैंने ये वाला भजन गाया था, उसको मैं आज आपके समक्ष रखती हूँ। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। राम तजू गुरु ना बिसारू, गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि ने पाँच छोर दिए साथा, छोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो। राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने कर्म भरम भरमायो, भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने बंद मुकुट गति लाए, मुकत गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। राम तजू पे गुरु न बिसारो, गुरु न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारू। चरणदास पर तन मन वारी, तन मन वारी, चरणदास पर तन मन वारी, गुरु ना तजू हरि को तज डारी, गुरु ना तजू हरि को तज डारी। राम तजू है गुरु न बिसारू, गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। राम तजू है गुरु सारू, गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। सही जो कहती है, जन्म दिया जगत में हरि ने, और कर्म के बंधन में हम ऐसा फंसा जीव के जन्मे फिर मरे, जन्मे फिर मरे, मरे फिर जन्मे, मरे फिर जन्मे, फिर एंट्री हो गई गुरुजी की। गुरु ने आवागमन छोड़ा दिया। तो हरि बड़े की गुरु, तर्क देखो उसके। हरि ने 5 चोर दिए, साथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर जीव के साथ आए, स्यापा डाला हरि ने। और गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, और गुरु ने मुझ अनाथ को, अनाथ मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो, और ये 5 चोर लूट रहे उसको, कबीर साहब का बड़ा सुंदर आता है ना, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, किसने लूट लिया तेरे मन के नगर को। 5 छोर भगवान जी ने दे दिए, गुरु मिले, उन्होंने मुझे अनाथ को बचा लिया, इन 5 चोरों से लूटने से बचा लिया। हरि ने कुटुम्ब जाल में घेरी, अब जब जन्मे मम्मी पापा भैया बहना चाचा मामा बुआ फूफड़ मासी मौसा चाची चाचा ताई ताया नानी नाना, कितने रिश्ते, फंस गया बेचारा जीव। गुरुजी आए, उन्होंने कहा बेटा तू शरीर ही नहीं है, सारे रिश्ते खत्म। बोलो हरि बड़े की गुरु हैं। तर्क देखिए, हरि ने रोग भोग उर्जायो। जैसे ही जन्म होता है बच्चे को, कभी पेट में वायु हो गई, कभी दांत निकल रहे, कभी उसको पट्टियाँ लग गई हैं, कभी रोता रहता है, कभी अफारा हो गया, कभी कोलाइटस हो गया, कभी नींद नहीं आई, कभी डकार नहीं मारा, और फिर बड़ा हुआ मुंह पे पिंपल्स आ गए, दाने निकल आए, फिर बूढ़ा होने लगा तो वायु के रोग, पित्त के रोग, ब्लड प्रेशर गोली, डायबिटीज़ की गोली, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बाहर नहीं निकलती, समझे, सब चक्कर पड़ गए, कितनी बीमारियों में फंस गया। हरि ने रोग भोग उर्जायो। शरीर है तो रोग है और भोग है, भोग खाया रोग बढ़ाए। और जब रोग ज़्यादा लग जाते हैं ना, फिर खाया नहीं जाता, फिर जो तरसते हैं ये डायबिटीज़ वाले मीठा खाने को, और बीपी वाले तरसते हैं नमकीन खाने को, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और डॉक्टर कहते हैं उबली दाल खाओ, रोटी भी नहीं, रोटी का पापा खाओ। उन्हें ऐसे रोटी बनाओ जो ऊपर वाला होता है ना पतला, आंध्र प्रदेश में उसे पापा बोलते हैं, बोले, और जो दाल होती है मूंग मसर की उसको पप्पू बोलते हैं। हम एक बार थे हैदराबाद में, तो हमारे जो मित्र थे साथ में, उन्होंने ऑर्डर किया, वो बंदा था हैदराबादी बोलने वाला, खाली तेलुगु बोलने वाला, तो उसको कहते पप्पू दाल। मैं पप्पू दाल कौन सी होती, हमारे पंजाब में पप्पू नाम के लड़के होते। बोले नहीं, यहाँ मूंग मसर दाल को पप्पू बोलते। तो अब बीमार आदमी खाली बेचारा उबली दाल खा रहा है, और दिल कर रहा है चाट पकौड़ी खाने को, और बीवी और बेटा और बहू डांटे, मुंह बंद नहीं रहता, दवाइयाँ इतनी खा रहे हो, कुछ हो जाएगा तो क्या करें, हार्ट अटैक हो गया फिर क्या करेंगे, बाईपास हो जाएगा, डॉक्टर मना करते नहीं खाना नहीं। सोचो मन में कैसे कैसे लोभ उठते हैं, और बेचारा खा नहीं सके, सजा है या नहीं बोलो। भोग करके रोग हो गए, रोग करके भोग नहीं होते, बड़ा दुखी होता है। और गुरु ने क्या किया, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। गुरु जी ने जोग सदवा दिया। जोग सदाया मतलब मन सदवा दिया, वासनाएं साध दी, इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण हो गया। अब सामने 1000 चीज पड़ी हो, वो एक चीज उठाता है, खाता है। शाम को एक बंदा लस्सी ले आए, बोले नहीं शाम को दही नहीं खाते, दही खाने से रोग होता है। एक ने कहा लो जी ये दूध पी लो और साथ में गर्म पकौड़े खा लो, बोले नहीं नहीं नमक और दूध साथ नहीं खाते, गुरुजी का ज्ञान मिल गया ना। किसी ने कहा चलो रात लेट नाइट शो देखते 9 से 12, बोले नहीं हम रात को अगर देर से सोएंगे तो सुबह अमृत वेला जाग नहीं सकेंगे, इसलिए भैया तुम जाओ, हम तो समय पे सोएंगे समय पे उठेंगे, हमें तो भजन करना है। तो गुरु ने योग सिखा दिया, गुरु ने योगी बना दिया। योगी होते ही ना अब भोग के पीछे भागे ना रोगी होए। चलो इसी में एक लेती हूँ। एक सज्जन ने लिखा है कि मेरी तो शुगर बहुत बढ़ गई है, शुगर ही लिखी उन्होंने, वही पढ़ रही हूँ। और कह रहे हैं अपने गलत खान पान और जीवन गलत जीने के कारण मुझे शुगर हो गई है और सर्वाइकल भी हो गई है, शरीर को ठीक करना है, समाधान बताइए। संजीव कुमार जी, आप कुछ दिन आकर के आश्रम रहिए, यहाँ एक औषधि का काढ़ा, आयुर्वेदिक काढ़ा होता है, एक्यूपंक्चर होता है, कुछ और सिस्टम है, जो यहाँ पर जब आप रहेंगे शुगर बहुत जल्दी से नियंत्रण। और सर्वाइकल ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कईयों को देखती हूँ उनका ना अक्सर लोअर बैक पेन, वो पट्टा बांध लेते हैं यहाँ पे, बेल्ट होती ना लंबर सपोर्ट के लिए, बेल्ट बांधे चलते। कईयों के देखते वो सर्वाइकल ज़्यादा हो जाती, वो जैसे वो कुत्ते के गले में नहीं होता, वो इतना मोटा फिर यूं रहते, नमस्ते। अरे भाई उसमें थोड़े से ये शोल्डर मसल्स को रिलैक्स करना का आसन, थोड़ी शोल्डर एजिलिटी मोबिलिटी बनाने के कुछ आसन, सर्वाइकल आराम से ठीक हो जाती है। पट्टा वट्टा लगाने का जरूरत नहीं है। वो जब समझ नहीं होए, हाँ, तुम लोग मंदिरों में घंटियां बजा के आ जाते हो, तुम गुरुद्वारे में लंगर खा के आ जाते हो, सीखते क्या हो बताओ मुझे वहां से। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है, समय मिले मैं जाती हूँ मैं, पर तुमने सीखा क्या वहां पर। जैसे मैं जब 9वें महल्ला श्लोक पूरे किए ना, रिकॉर्डिंग जब पूरी की तो बड़ा दिल हुआ, तो मैंने कहा जिसकी है वाणी उसके स्थान पे तो जाना पड़ेगा। तो मैं चांदनी चौक शीषगंज गुरुद्वारा साहब गई। ये वो जगह है जहाँ गुरु ने आखिरी श्वास छोड़ा। तो अपना शीश नवाने गई कि गुरु महाराज आपकी वाणी को गाया है, इतना आनंद लिया, इतना स्वाद लिया, आपकी ये वैराग्य की वाणी जन जन तक पहुँचे, हर मन तक पहुँचे। मतलब इतना प्यार लबालब भर गया कि रहा ही नहीं गया। सबने कहा वहाँ भीड़ होती है, तो मैं तुम चिंता मत करो, मेरा बड़ा एक सीक्रेट तरीका होता है कहीं भी जाने का, मैं जा के घूम घाम के आ जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। जाना है मैंने, अब वो हम वो क्या शंख नगाड़े बजा के थोड़ी जाऊंगी मैं कि सबको पता चले। मैं बीबी रानी बन के ना, जो बस समझ लो पता ही नहीं चलना। मैं गई मत्था मुत्था टेक के, जब जूता पहन के बाहर निकली ना तो दो चार लोगों ने, ओ ये तो वही है जो टीवी में आते, तब तक मैं ओ गई तो ओ गई। इतना मौका ही नहीं देती किसी को, क्योंकि लगता है इट्स माई प्राइवेट मैटर। मेरा दिल था अपने गुरु के स्थान पे आने का, हम आए। लेकिन याद रहे अभी वहाँ अफसोस इस बात का है, विचार होनी चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। कीर्तन बड़ा सुंदर होता है, पर वाणी का रस भी तब आएगा ना जब वो वाणी के शब्द के अर्थ तुम्हें पता होंगे। तो माहौल इतना प्यारा होता है, इतना सुंदर होता है, पर वहाँ लोगों को लंगर खाने की ज़्यादा जल्दी पड़ी होती है। या वही दुनिया की मनौत, महाराज या ठीक कर दो, महाराज वो ठीक कर दो, महाराज के हाथ में लिस्ट पकड़ा देते हैं, महाराज वेले बैठो साढ़े काम ही कर दो। हाँ, प्यार नहीं है, गुरु से प्यार नहीं है, गुरु की वाणी से प्यार नहीं है, उसकी समझ नहीं है, इसलिए उनको स्वाद नहीं आता। पर तुमने सीखा क्या? अपना शरीर मैनेज करना तो आना चाहिए ना। तो बेसिक आसन को ठीक से करे, खान पान ठीक करे। मैं मोटा मोटा अभी कहती हूँ, अगर ना भी आ सको मैदा, गेहूं, चीनी, चावल और सीड ऑयल, जो भी रिफाइंड सीड ऑयल है, ये सारे तेल बंद कर दीजिए। मिलेट खाइए, और दिन में एक ही बार खाओ तो और भी अच्छा। और ये सब पत्ते जो मैं बोल भी दूं तो फायदा कोई नहीं, कि सब आपको इजीली अवेलेबल अगर है तो नीम का, जामुन की गुठली और उसका पत्ता और उसकी जड़ और गिलोय, और ये सब को उबाल करके एक दो और उसमें हम डालते हैं, वो उबाल करके सुबह शाम दो समय काढ़ा पिए, मिलेट खाए, और कर सके तो हफ्ते में एक दिन सिर्फ पानी के ऊपर रहे। यहाँ पर आश्रम में 300 350 तक गई हुई शुगर जो है वो कम हो जाती। इंसुलिन वाले वो भी ठीक हुए हैं। उसमें एक्यूपंक्चर का बड़ा रोल होता है, ब्लड लेटिंग एंड एक्यूपंक्चर चलता है। जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो इस चीज़ को देख लेते। पर कुछ ना करे, अगर सिर्फ इतना ही कर लेना, चीनी, चावल, गेहूं, मैदा और रिफाइंड ऑयल्स, ये टोटली बंद। 12 बजे तक हो सके तो सिर्फ कुछ सैलड बना के खा ले, कुछ कच्चा खाना चाहिए। अगर हजम नहीं होता तो उसमें थोड़ा लवण भास्कर, थोड़ा सा इसका उपयोग कर ले। अच्छा रहेगा किसी वैद्य से प्रॉपर दवाई इसकी ले ले। 2 महीने से 3 महीने ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद सिर्फ डाइट की मैनेजमेंट से आपका डायबिटीज़ एकदम ठीक। सर्वाइकल के लिए आसन, तो जब गुरु से योग सीख लेता है तो रोग और भोग से बच जाता है। सहजो कहती, हरि ने कर्म भरम भरमायो, पाप कर्म पुण्य कर्म। पाप पुण्य करोगे फल मिलेगा, दुख और सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। तो हरि ने करम बरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। लो कर लो बात। जिस मन से पाप पुण्य किया था वो मन में ही नहीं है, जिस मन में संस्कार वासना थे वो मन में ही नहीं। ये निश्चय हुआ, अपरोक्ष अनुभूति हुई स्वरूप की, आत्मज्ञान हुआ और होते ही आवा भी गया तो गमन भी गया, जन्म मरण सब खत्म हुए उसके। तो बोलो हरि बड़े की गुरु। हरि ने बंध मुक्त गत लाए, ईश्वर ने बंधन भी दिया और फिर कहा मुक्ति का प्रयास कर, और गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। और गुरु ने अपनी ब्रह्म विद्या का प्रकाश दिया और मेरे मन से सर्व प्रकार के भ्रमों को दूर कर दिया। चरणदास पर तन मन वारी। अपने गुरु का नाम ले रही हैं सहजो, इसमें उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं अपने गुरु चरणदास पर तन मन वार दूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारी। मैं अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती, मैं ईश्वर को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर है इसका पता भी तो गुरु ने दिया था ना। ईश्वर से मन कैसे लगाना ये भी गुरु ने बताया। रोग भोग से छुड़ाया, ज्ञान दिया, बंधन छुड़ाया, आवागमन छुड़ाया, जोगी बनाया, आत्मरूप ज्ञान कराया। तो बोलो गुरु बड़े की हरि। इसलिए वो कहती राम तजू पे गुरु न बिसार। मैं राम छोड़ सकती हूँ। ख्याल करना वो इसलिए कह रही है कि मैं राम छोड़ सकती हूँ क्योंकि एक्चुअली राम छोड़ा ही नहीं जा सकता। राम तो मेरा आत्मा है, अपना आप कैसे छोड़ सकता हूँ। राम यहाँ गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु ना छोड़ूं अपना, क्योंकि सिखाया उसने, ज्ञान बोध उसने दिया। तो ये महिमा है सहजोबाई की। कबीर जी भी बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियों मिलाए। लेकिन सहजोबाई तर्क देती है। वो कहते हैं मैं गोविंद को छोड़ के गुरु जी का चरण में प्रणाम करूं। सहजोबाई तो एक छलांग और आगे चली गई, कहती मैं तो गोविंद देखूं भी नहीं, देखूं भी नहीं, निहारूं देखूं भी नहीं, गुरु सन्मुख है मेरे। तो बस फिर वही है। और राम तो जो राम छोड़ देगी ना, सहजो जानती है आत्मा ही राम है, गुरु ही राम है, सर्व तो राम ही है, क्या छोड़ना क्या पकड़ना। पर कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। अभी ये एक बड़ी अजीब सी चिट्ठी है पर मैं ले रही हूँ फिर भी। कहती है मुझे ईश्वर भक्ति का बहुत शौक है, जो लिखा मैं वो पढ़ रही हूँ। शौक नहीं होता, शौक होता है, नानी जरूरत होती, शौक है। मैं अक्सर सत्संगों में गुरु के पास जाती रहती हूँ। सदगुरु की तलाश में किसी गुरु, गलत गुरु के पास पहुँच गई, जो औरतों के ऊपर गलत नज़र रखता था। उसने उसके पास जितनी शक्तियाँ थी मेरे ऊपर लगा दी। मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर निकली। फिर मैंने यूट्यूब पर आपको देखा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं और मेरे पति हम दोनों अब यहाँ आए हैं। शशि बाला जी, एक तरफ आप कह रही हैं गुरु ठीक नहीं था, फिर उसके पास शक्ति कौन सी थी। सो मच कन्फ्यूजन। पर तुम्हारा दोष नहीं है, भोले भाई मिले रघुराय वाली बात। मैं इसीलिए बार बार कहती हूं शास्त्र से रिश्ता जोड़िए। अगर शास्त्र से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो तुम्हें सही और गलत की पहचान कैसे होगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक कह रहा है, मतलब एक तो तुम ना फैंसी ड्रेस, पता नहीं अक्ल तुम्हारी बड़ी कब होगी। बच्चे होते ना वो फैंसी ड्रेस स्कूल में जाए, वो गांधी बन गए, नेहरू बन गए, बक्सर बन गए, मीरा बन गए, हनुमान बन गए। तो वो असली होते हैं नकली होते हैं। हाँ, तुम नकली को असली अगर समझ लो तो तुम बेवकूफ हो कि वो। अब कोई ने लंबा चोला पहन लिया, तिलक लगा लिया, मोटे मोटे माला गले में, और किराए के 4-6 चमचे और चेले साथ में रख लिए, और जो पूरे गांव में हवा फैला देते, बाबा जी बड़े पहुंचे हुए, आशीर्वाद दे दे, नौकरी लगती, लड़का होता। क्या था, अभी हम परसों है ना लौट रहे थे तो नजर पड़ी, बाबा बंगाली, शादी ना होती हो मिलो, प्रेमिका से परेशान हो तो मिलो, गारंटी तसल्ली बख्श। 15 मिनट में आपका समाधान कर देंगे। नंबर दे रखा इतना बड़ा, कोई पुलिस वाला है जो उस पर पर्चा करेगा कि क्या बेवकूफ़ी है ये, क्या बकवास कर रहे हो ये तुम। ऐसे चंट लोगों के ऐसे विज्ञापन को देख करके कितने लोग उन तक पहुंच जाएंगे। पर मुझे लगता है जो मूर्ख है ना वो लुटे, लुटो, खूब लुटो। तुम पागल हो, तुम अकल नहीं तुम्हें। प्रेमिका शादी नहीं होती हम कराएंगे, और उसी में लिख देते हैं शादी नहीं होती हो जाएगी, तलाक नहीं होता हो जाएगा। लो एजेंट दोनों के हैं वो। बोलो तो सही क्या, हर चीज का फीस लेंगे 10, 5, 50,000। मुझे अमेरिका में एक बंदा मिला, उसने $10,000 एक बंदे को दिए थे। उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो वो जलंधर के थे। पीछे से किसी ने कह दिया, उन्होंने टूणा किया किसी ने, इसलिए तेरी नींद उड़ गई। ऐसा ही कोई बाबा बंगाली होगा जिसकी ऐड देख के वो पहुंच गए। उसने 2000, 1000 इस पूजा, ये पूजा, वो मंत्र, ये यज्ञ करूंगा। हुआ ये कि वो कुल $10,000 वो खर्च कर चुके थे। फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया, ना तो फिर कमरे में बैठा के सारी बात सुनाई। मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, इसमें टूना हो गया है, टूने को उतारने के लिए तुम ये। मैं तुम एक काम करो, मैं आप सब जरा बाहर निकलो, हरी मिलन साथ था। मैंने कहा तुम यहीं रहो, ये टूने वाले बंदों से ना कई बार बात करना भी मुश्किल हो जाए, पता नहीं किस चीज़ का क्या अर्थ निकाल दे। तो मैंने कहा तुम लेट जाओ। और तब रिकॉर्डेड नहीं था, तो हमने उसको बोल के योग निद्रा करवाई। हम योग निद्रा कराए, वो एकदम टिक गया। हम नीचे उतर आए, नीचे खाना खाया, लोगों को मिले, एक 1.5 घंटा और लग गया। तो जब मेरा चलने का वक्त हुआ तो वो लड़का कमरे से बाहर आया, तो पाँव पकड़ लिए, कहता है आपने सारा जादू टोना उतार दिया मेरा। हमने योग की एक क्रिया कराई, बट उसकी अकल क्या है, जादू टोना उतार दिया आपने, घर में अब सब सुख होगा। मैं हाँ भाई हाँ, ऐसे बंदों को कोई सुखी नहीं कर सकता। जो बंदा आप खटपटिया है, उसका फैंसी ड्रेस देख के तुमने उसको गुरु पीर मान लिया, तो तुम बेवकूफ। आपकी बड़ी श्रद्धा है, पर कहाँ कर रहे हो, कुछ तो अकल करो। वो ये बिल्कुल सच्चम सच घटना तुम्हें सुना रही हूं, इसमें एक पैसा भी गप या झूठ या मिथ नहीं है। गुजरावाला में एक आदमी लौट रहा था अपने गांव। एक पक्षी, जिसको वहां की भाषा में गालड़ बोलते, पंजाबी में गालड़ एक पक्षी होता। वो एक गालड़ जो है ना, वो छटपटा रही थी, तो गई मर। बंदे ने देखा, उसको बड़ा दुख सा लगा। उसने कहा चलो कोई इसको ऐसे कोई जानवर खाएगा, तो उसने उसके ऊपर ऐसे ऐसे मिट्टी डाल दी, बड़ा अच्छा ढेर सा बन गया। फिर उसको लगा कि ऐसी खाली था, आराम कर रहा था, वापिस जाना है थोड़ा, तो उसने ऐसे ना एक डंडी सी लगा दी, तो उस पर उसने लिख दिया गालड़। फिर लगा कि मेरे हाथ से देखो इतना बढ़िया इसका अंतिम हो रहा है सब प्रोग्राम, तो उसने आगे शाह भी लिख दिया। वो वहां से निकल गया। एक बंदा और आया, बाई चांस वो भी वहीं रुका। उसने देखा है गालड़ शाह, कहते गालड़ शाह मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं चद्दर चढ़ाऊंगा। चांस की बात घर गया, जो काम उसका हो गया, कोई रकम फंसी थी वो मिल गई। उसने अपने घर में सबको बताया, कहते पर किसी को बताना मत, ये सब गालड़ शाह का कमाल है। बोले ये कौन है? बोले बड़े पहुंचे हुए हैं, देखो आज ही बोला, आज ही काम हो गया, किसी को नहीं बताना। तूने हुआ ये, जब बोल दो ना किसी को नहीं बताना, फिक्स्ड। आसपास 10 गांव तक खबर पहुंच गई। हुआ ये कोई चद्दरें ले आया, कोई किने झंडियां लगा दी, कोई ने गुब्बारा, एक ने लंगर खोल दिया। फिर उन्होंने कहा खाली गालड़ साहब लिखना अच्छी बात थोड़ी ना। तो इसको थोड़ा अदब देना चाहिए। तो उन्होंने पक्की कब्र बना दी। किसकी? नीचे कौन है? पक्षी। लोग क्या सोच रहे? ये आदमी एक दिन फिर से उस रास्ते से निकला, बोले हैं ये सब क्या हो गया? तुझे पूछा ये कैसे? वो कहता है अरे ये गालर सको तो मैंने ही तो मिट्टी में दफनाया था यहाँ पर। सारे उसके पाँव में पड़ गए। एक ने लाकर उसके सिर में पगड़ी बांध दी, आज से तुम हमारे महंत हो। रुपया पैसा मेला हर वीरवार चल रहा है। और सच क्या है? पक्षी है। समझ लगे? आदमी का अज्ञान बहुत बड़ा है। एक ने कहा ये पीपल का वृक्ष बड़ा करामाती वृक्ष है। बोले वो कैसे? बोले इसके मैंने धागा बांधा था, इसके धागा बांधते ही मेरी दुकान चल पड़ी। अब जिस दोस्त ने सुना अगले दिन वो भी पहुंच गया, लाल धागा उसने भी बांध दिया, फिर उसने भी बांध दिया, फिर उसने भी बांध दिया। पीपल देव मंदिर बन गया। समझ नहीं। देखिए एक चीज याद रखना, ज्ञान दृष्टि से हम देखें तो सर्व परमात्मा है, पर उसको सीमित मत करो कि इसी जगह में है, कि इतना ही है। परमात्मा को किसी भय से, किसी लालच से मत पूजो। जाओ मंदिर जाओ, जरूर जाओ, गुरुद्वारा साहब जाओ, जरूर जाओ, पर वहां भिखारी होके मत जाओ। उनके दिए उपदेश को श्रवण करो, उनकी बताई बात को समझो, उसको अपने जीवन में लेकर के आओ। हाँ, ये है धर्म का असली स्वरूप। आपके लिए तो सारा धर्म खाली लंगर रह गया। लंगर खा लो, लंगर खा लो, लंगर खा लो, लंगर खा लो, लंगर ही है खाली, भंडारा ही है खाली। भंडारे से कुछ अलग भी तो होता है या नहीं होता है? और ये समझ किसी विवेकी गुरु के पास बैठने से ही आएगी। ख्याल करना, जब अर्जुन को मोह सताया है तो ऐसा तो नहीं ना कि उस समय वेद शास्त्र उपनिषद नहीं थे। पर जब श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान श्रवण किया तो उसका मोह अज्ञान सब दूर हो गया। हमें अब नए शास्त्रों की जरूरत नहीं है। एक चीज समझना तुम, we don't need new scriptures. No, we have too many already. वेद हैं, उपनिषदें हैं, भगवद्गीता है, फिर आदि शंकराचार्य के दिए 17-18 प्रकरण ग्रंथ है। उसके बाद कितने और महात्मा हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी भाष्य लिखे है, कमेंटरीज लिखी है। हमारे पास 1430 अंक का इतना भारी भरकम आज श्री गुरु ग्रंथ साहब है। वी डोंट नीड न्यू स्क्रिप्चर्स। पर जो उस शास्त्र को मुझे समझा दे, उस संत की जरूरत जरूर है। उस संत को मत काट देना तुम अपने। तुम कहना हमें नहीं जरूरत, हम आप ही गीता पढ़ लेंगे। पढ़ लो, क्या समझ आएगी प्यारे? शास्त्र की जरूरत नहीं है, पर उस शास्त्र को समझाए जो, उस शास्त्र के अनुसार जो ग्रंथी है मेरे मन की खोले, जो मुझे उपासना करनी है तो कैसे करूं जो बताए, जो ध्यान करना चाहूं तो मुझे जो बताए, परमात्मा का निर्गुण सर्गुण स्वरूप क्या है जो समझाए। ऐसा समझाने वाला महात्मा चाहिए। महात्मा मतलब फैंसी ड्रेस नहीं होता है। फैंसी ड्रेस नहीं होता है। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। कई साल पहले, लगभग 35 साल पहले, मैं सफेद सलवार कमीज मलमल की चुन्नी लेती थी। 4 जोड़े होते थे, कहीं चली जाऊं। एक पहना, 2 रखे कि कभी सर्दी बारिश में नहीं सूखा, इसलिए एक चौथा स्पेयर मेरे पास होता था। दैट्स इट। फिर समय आया तो चोला पहन लिया। फिर एक समय आया, भगवा रंग बड़ा प्रिय था, महाराज जी को अरदास करी। क्यों क्यों चाहिए तेन पगवे? मैं महाराज आपने पाए इस करके चाहिए। चंगा पाल है। फिर दे दिए उन्होंने, हमने कोई ड्रामा, कोई रिचुअल, कोई सेरेमनी, कुछ नहीं, उन्होंने दे दिए, हमने पहन लिए। बहुत साल पहले तक तो कोई तिलक नहीं लगाते थे, एक तो अकेले रहते थे, घूमते थे, पर जब कभी कहीं गए, किसी के घर गए, वो लगा दे कभी कुछ ना कुछ। जब उन्हें लगाया ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। अब एक कबीरपंथी संत, पीछे उनका शरीर चला गया, संत अभिलाषदास साहिब, कोई मतलब ये 94-95 की बात है। मैं प्रयागराज जाती थी एक मंदिर में सत्संग, वहीं उनके एक शिष्य आते थे, ज्ञानदेव जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो गए, बहुत प्यारा गाते थे भजन वो, तो दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मेरे कैसेट्स अपने साधु मंडली को सुनाए, सारे साधु मंडल जो थे वो मेरे से प्यार करते थे, सब बोले मिलना चाहते। अगले साल गई तो मैं वहाँ चली गई, तो अब मैं कोई तिलक विलक नहीं, कुछ नहीं लगाते, तो बस ऐसे सीधा चोला पहना और चले गए कहीं भी। फिर कई साल बाद वो यहीं आए आश्रम में, मेरे पास 5-6 दिन रह के गए। जब आए ना, जब मुझे देखा तो हंस के कहते, अच्छा अब तिलक लगाते हैं। मैंने कहा, हाँ महाराज, तिलक लगाने से मेरा ज्ञान खत्म नहीं हो जाएगा, ना लगा लेने से बढ़ जाएगा, ना लगा, क्योंकि वो लोग नहीं लगाते, ठीक है। तो वो हंस रहे थे, कह रहे नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे, पर उनका प्रेम है, उनका वो विनोद था मेरे साथ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब तिलक ना लगाऊं, भगवा ना पहनूं, कल मैं नीले रंग के कपड़े पहन लूं, कल मैं लाल रंग के कपड़े पहन लूं, तो इससे ज्ञान चला जाएगा। पावे लंबे केस कर, पावे करड़ मुनाए, उससे अंदर ना ज्ञान होता है, ना हुआ ज्ञान कहीं चला जाएगा। चाहे कि तो लंबे केस रख ले, चाहे पूरा मुंडित कर ले, इस शरीर के ड्रेसिंग अप से आप संत महात्मा नहीं हो जाते हैं। आप जान के हैरान होंगे, स्वामी राम तीर्थ जब उत्तरकाशी में वास कर लिया, अपने आखिरी समय में जो कुछ महीने वो रहे हैं, उन्होंने अपने भगवे वस्त्र भी छोड़ दिए, सफेद वस्त्र पहने। सन्यासी हैं पर वो सफेद वस्त्र पहनते। कह रहे थे सन्यास का एक उपयोग था, एक प्रयोग था, एक आवश्यकता थी, अब नहीं है। अब मैं किसी को ये भी नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता, किसी से कुछ लेना नहीं चाहता। तो कोई मुझे साधु देख के हाथ जोड़े, मेरे पीछे आए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। उन्होंने भगवे कपड़े भी उतार दिए। इसको कहते सन्यास का भी सन्यास, परम सन्यास। गुरु कौन है? थोड़ा भगवद्गीता पढ़ो ना, स्थित प्रज्ञ के का भाषा। अर्जुन ने प्रश्न किया, उसकी भाषा कैसी होती है, वो व्यवहार कैसा करता है, और कृष्ण उत्तर देते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जिसके पास आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर प्रेम है, वो गुरु है। गुरु मतलब उसके पास कुछ ज्ञान के सूत्र हैं और वो प्यार प्रेम से, मैत्री में तुम्हें वो सूत्र देना चाहता है। जो फीस रख रहा है, जो मोल मांग रहा है, संत कैसा? वो बेचारा आप ही फंसा पड़ा है। जो खुद फंसा है वो दूसरे को मुक्ति क्या कराएगा? मान मुनिजन खाए। मुनियों को भी एक ही चीज खाती है, औरत छोड़ दी, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिया, मान नहीं छोड़ पाते। वो मान की भूख उन्हें खा जाती है। तो जोगी के, जति के, तपस्वी के, सन्यासी अभिमान मुक्त हो, मोह मुक्त हो, विषय वासना से मुक्त हो। अब कैसे मालूम होगा कि कौन कौन है? उसके लिए अपने मन को सच्चा सुच्चा बनाओ। जब तुम्हारा शुद्ध अंतःकरण होगा, गलत जगह जा ही नहीं सकते हो। किसी गलत को तुम सही समझ ही नहीं सकते हो, फिर कहीं ना कहीं अपनी चूक होती। तो धोखा देने वाले को नहीं दोष दीजिए, आप धोखा खा गए, दोष आपका है, तो थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। अब आपने लिखा कि अब आप मेरे से दीक्षा चाह रहे हो, मैं कहूँगी जल्दी मत करो। आप, हमारी एक पुस्तक है सदगुरु पूरा पाए हो, एक तो वो पढ़ो पहले, गुरु होता क्या है समझो तो सही। फिर भगवद गीता ले जाओ, बैठ करके पढ़ो, समझो। आप का ज्ञान की जो जरूरत है ना, पहले उसको पूरा कीजिए। और ना तुम ये गुरु बनाने की बात नहीं होती है, जिससे ज्ञान मिला, जिससे राह मिली, वो गुरु हो ही गया। वहां पर सिर झुकाया नहीं जाता, वहां सिर झुक जाता है। यहां सोचना भी ना पड़े, ज्ञान की रोशनी गुरु है असली, जो देवे वही है असली। अब वो कह रहे हमसे मंत्र ले लो, जब मरोगे ना तो मुक्ति देने गुरुजी आएंगे, हाथ पकड़ के सीधे भगवान के घर ले जाएंगे। बकवास है ये बात, गप है, धोखा है। जो जीते जी अज्ञान और मोह ममता से न छुड़ाया तो मरने बाद क्या छुड़ाएगा। अब वो गुरु हजारों को मंत्र दे रहा है इस भरोसे, इस गारंटी के साथ कि जब तुम मरोगे तो गुरुजी आएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। मेरा ख्याल है अपने उन हजारों लाखों चेलों का नाम भी पता नहीं होगा, कौन कब मर गया। क्या वो सीसीटीवी कैमरा लगा के रखेंगे सब चेलों के घर पर। पागलपंथी की भी कोई हद नहीं है। ये कोई वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि गुरु से मंत्र ले लिया। अब जैसे एक ने मेरे को सवाल भेजा है, अजब गजब है महाराज, तुम लोगों की बुद्धि को तो प्रणाम है। लिखते हैं यदि साधक का शरीर चला गया तब तो कोई बात नहीं, किंतु अगर गुरु ने शरीर छोड़ दिया तब भी गुरु के दिए मंत्र का प्रभाव उतना जागृत रहता है। जय हो। ये फिर एक नए किस्म की बेवकूफी है, मंत्र जागृत रहता है। एक मैं नाम नहीं ले सकती हूं, एक हैं ऐसे, वो कहते हैं आप हमसे मंत्र लो। मंत्र देने के वो शायद 2100 या 3100 रुपया एक वन टाइम फीस होती है। फिर वो कहते हैं अब इस मंत्र को जागृत करने के लिए दोबारा से मंत्र लो, फिर उसकी 5100 फीस होती है। फिर कहते हैं अब इसकी बैटरी थोड़ी लीक हो गई है, अब फिर से लो, तब उसकी 11,000 होती है। क्या बात है। ये तो वो हो गया ना, वो क्या बोलते हैं, वो अपग्रेड हो गया, नहीं थोड़ा और बड़ा हो गया। ये पुराना सिस्टम है, अब आईफोन 14 हो गया, तुम 6 लेके घूम रहे हो हैं। ये तो वही बात होगी ना। एक तो दीक्षा की भी क्या वो ग्रेडिंग हो गई, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। बेवकूफ बनाने के ढकोसले है, काहे मूर्ख बनते हो प्यारे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कृष्ण ने क्या अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पे ये कहा था कि जाओ बेटा पहले नारियल लाओ, कपड़े लाओ, मिठाई लाओ, फल का टोकरा लाओ, मेरे सामने बैठो, फिर हम तुम्हें मंत्र दे के चेला बनाएंगे, फिर हम तुमको समाधान देंगे। क्या ऐसा बोला भगवान ने? ना, उसने कहा शिष्यस्तेम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, बस मैं आपका शिष्य हुआ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ मैं तेरा गुरु हुआ। एक भी श्लोक नहीं है जिसमें कृष्ण ये बोले। और बस उन्होंने अपने ज्ञान का भंडार खोल दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया। और अर्जुन क्या, कुल मिलाकर के 18 अध्याय टोटल, अगर आप संस्कृत पाठ करो तो ऑलमोस्ट 46 मिनट्स में पूरा पाठ हो जाता है गीता का। मैंने 46 मिनट का, या बड़ा थोड़ा स्लो भी चल लो तो 1 घंटे का संवाद हुआ होगा कृष्ण और अर्जुन का। 1 घंटे के इस ज्ञान संवाद के बाद अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, आत्मस्वरूप की स्मृति हो गई है माधव, मैं कृत्य कृत्य हुआ, धन्य धन्य हुआ। वहां कोई गुरु चेला बनाया उन्होंने पहले उसको ना। ये गुरु चेला बनाने का भी ड्रामा बकवास बात है। अभी इतने मंत्र हैं, सब सुंदर हैं, हर मंत्र का एक अपना मजा होता है। शब्दों के पीछे मत भागिए। गुरु ने ये शब्द दिया है, गुरु ने नाम दिया है, गुरु नाम दान दिया है। नाम क्या दान दिया जा सकता है, नाम मतलब परमात्मा, परमात्मा क्या दान दिया जा सकता है। कई लिखते हैं मुझे नाम दान दे दो, मैं तो देती नहीं, मैं मेरा तेरे को क्यों दूं। नाम दान ये क्या शब्द हुआ। फिर कई लिखेंगे हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। भाई तू क्यों बनाएगा मुझको गुरु, हम बने बनाए हैं। आज तू बनाए कल तू मिटाए, तेरे बनाए से थोड़ी बन जाऊंगी मैं। तो कहना ये चाहिए कि आपके संग ज्ञान की समृद्ध वर्षा को हम पीने आए हैं, ज्ञान की रोशनी लेने आए हैं, ले लीजिए। और रही बात गुरु बनाने की, तुम बनाओ ना बनाओ, हम ऐसी चीज है भुलाए भूलेंगे नहीं तुमको, तो याद तो रह ही जाएंगे, कैसे भूल जाओगे। अरे ये तो इसको खुशबू है, प्रेम खुशबू है, महसूस कीजिए। जैसे सांसें चल रही हैं चुपचाप तुम्हें जीवन दे रही है, ऐसे प्रेम एक खुशबू है, उस खुशबू से अपने मन तन को भर लीजिए और उस प्रेम की महक से अपने जीवन को महका लीजिए। और फिर तो भाई अगर ज्ञान की वो खुशबू आपने ले ली तो मैं गाया करती हूँ ना, गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं, उनकी वाणी रस पान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं, बस कृपा इसी को कहते हैं, गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। जीवन की घड़ियां थोड़ी है, दुनिया की मंजिल लंबी है, जीवन की घड़ियां थोड़ी है, दुनिया की मंजिल लंबी है, छोड़ी गुरु पे जिम्मेदारी, वो पार लगाए रहते हैं, वो पार लगाए रहते। जिस अंश से ये संसार बना, उस अंश के तुम भी अंशी हो, माया में फंस कर भूले हो, माया में फंस कर भूले हो, यही याद दिलाए रहते हैं, यही याद दिलाए रहते हैं, गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। छोटी सी बात ये जाननी है, प्रतिश्वास श्वास को देखो तुम, छोटी सी बात ये जाननी है, प्रतिश्वास श्वास को देखो तुम, प्रीतम का निस दिन ध्यान धरो, यही वाक्य सुनाए रहते हैं, यही वाक्य सुनाए रहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। उनकी वाणी रस पान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं, बस कृपा इसी को कहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाए रहते हैं, नजरों में समाए रहते हैं। ये बड़ा अनमोल ज्ञान है, ये बहुत बहुत अनमोल ज्ञान है। याद रहे, गुरु जब तुमको बंधनों से छुड़ा रहा है तो क्या वो अपने साथ तुम्हें बंधने देगा? ना, गुरु अपने साथ भी बंधने नहीं देता। तुम अपने आत्म स्वरूप से नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो तुम मन से जुड़ के भूल गए हो, तो मन से इस अज्ञान को दूर करो, अपना निज स्वरूप देखो। जब अपना निज स्वरूप देखोगे तो तुम में और गुरु में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। जैसा हाथ पैर तुम्हारा तैसा गुरु का, जैसे खाते पीते तुम तैसे गुरु, जैसे सोते उठते बैठते तुम वैसे गुरु। फर्क क्या है? उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश है। जिस दिन वो ज्ञान प्रकाश तुम्हारी बुद्धि में आया तो फिर गुरुर नैव शिष्यः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फिर गुरु शिष्य का कोई भेद नहीं रह जाता। गुरु एक बनाता नहीं है, एक है ये दिखा देता है। गुरु मुक्त कराता नहीं तो मुक्त स्वरूप हो ये निश्चय करा देता है। बंधन तोड़ता नहीं है, बंधन तेरी कल्पना है ये बता देता है। गुरु मुक्ति नहीं देता है, ना ना ना, मुक्त तुम हो। वाह, ये बोध कराता है, ये ज्ञान देता है। पाए को प्राप्त करना है, जो प्राप्त ही है ना उसी को ही प्राप्त करना है। वाह वाह वाह। इसलिए सहजोबाई के इस वचन को बहुत प्यार से हृदय में संभाल के रखना। जो तेरे मोह ममता को छुड़वाए, जो तुम्हारे कर्म बंधन से छुड़वाए, जो तुम्हारे अज्ञान को दूर करे, जो तुम्हारे को ज्ञान स्वरूप हुए निश्चय कराए, हम उसी को गुरु कहते हैं। आलतू जलालतू आई बला को टालतू ऐसे अंट शंट मंत्र देने वाला गुरु नहीं होता है। जो कहे मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो, बाकी भूल जाओ, वो भी गुरु नहीं होता। जो कहे चेला आप बन जा, मरने बाद मुक्ति दूंगा, वो भी गुरु नहीं होता। याद रखो ना इस बात को। पर भाग्य वाले होंगे जिनको मेरी ये बात भी समझ आएगी, पर जब कान में सुनेगा नहीं तो समझ कहां से आएगी? तो पहले सुनना जरूरी है ना। सुनया मन्या मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। पहले सुनो, फिर मानो, फिर अंतर के तीर्थ में स्नान करो और जन्म जन्म की मैल को धो दो। कहाँ मुश्किल है, ये है ही नहीं। तो आज के लिए चर्चा को यहीं पर समाप्त कर।